आज हूँ पवित्र गणेश चतुर्थी। आज दिन में गजानन समस्त घर को आसी विराजमान करती आगामी दस दिन पाई। एने चलचंचल हो उठी गांठू सहर, केवल राज्य नुहे सारा देश में श्री गणेशों आगमन को नहीं समस्ते बेस खुशी अनुभव करुछंती। तेबे दर्शक बंधु, आमे तो सब वर्ष भाद्रव मास शुक्लपक्ष चतुर्थी दिन गजाननंकर पूजा करिथाउ। एही दिन आमे भगवान को वक्रतुंड रूपे पूजा करू। तेबे कौन पाई गजानन केवल एही रूपरे आज दिन में पूजा पाती आपण जानिछंती कि? ए विषय जानिबा पाई देखंतु आमर एही खास वीडियो। आमे जेबे भी किछि शुभ कार्य आरंभ करूछे, सर्वप्रथमे भगवान श्री गणेशंक आवाहन करूछे। भगवान गणेश हेउछंती शुभ फलदाता, जहांकर मोदक और लड़ू भली बाणी मध्य मीठा थाए। किंतु थरे भगवान गणेश एभली रागी जाइथिले कि तार सीमा नथिला। तीनी लोकरे एक भयंकर घटना घटिला जहां गणेशंकु क्रोधित करदेइथिला। सेतेबेले तांकु महाकाय वक्रतुंड अवतार नेबाकु पड़िथिला। पौराणिक कथा को ध्यान देले जना पड़े जे इंद्र देवतांक एक भूल पई मत्स्यरासुर नामक एक असुर जन्म नेला। परे एही असुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिवंकर पंचाक्षरी मंत्रर दीक्षा प्राप्ति कला एवं गोटे गोड़े ठिया होई अनेक वर्ष पर्यंत भगवान शिवंकर तपस्या कला। मत्स्यरासुर तपस्या देखी भगवान शिव मध्य प्रसन्न हेले और बर मागिबाकु कहिले। एही असुर बर मागिले जे तांकु कौनसी देवता राक्षस कि मनुष्य संहार करिपारिबे नाही, माने से अभय रहिबार बर मागिले। भगवान शिव मत्स्यरासुर इच्छा पूर्ण पाई अभय बर प्रदान कले। बरदान मिलिबा मात्रे गुरु शुक्राचार्य खूब प्रसन्न हेले ओ तांकु दैत्य राजा करिदेले। तापरे दैत्य राजा मत्स्यरासुर पृथ्वीरे आक्रमण करिबा आरंभ करिदेला। कौनसी राजा मत्स्यरासुर आगरे जीति पारिले नाही, सारा पृथ्वी दैत्यर अधीन को आसीगला। एहा परे से पाताल और स्वर्ग लोकरे मध्य आक्रमण करिला, समस्त देवता परास्त हेले। तापरे से तीनी लोकर राजा होइगला। एहा परे सबु देवता ब्रह्मा विष्णु को सांगरे नै शिवंक निकटरे पहुँचिले। हेले भगवान शिव किछि करि पारिले नाही, कारण से निजे ही मत्स्यरासुर को एही अभय वर प्रदान करिथिले। मत्स्यरासुर निज शक्ति बलरे कैलाश पर्वत उपरे आक्रमण कला। जेतेबेले शिव चाहिले तांको अहंकारी भक्त को बुझेबाकु, से शिवंकु मध्य प्रहार करिबाकु आरंभ कला। एहा परे शिव मध्य मत्स्यरासुर उपरे प्रहार करिबा आरंभ कले। हेले शिवंकु शक्ति निष्फल होइ जाउथिला, कारण शिव ही अभयवर देथिले। शेषरे सेही समय रे भगवान दत्तात्रेय सेठारे पहुँचिले। देवतांकु वक्रतुंड एकाक्षरी मंत्र उच्चारण करिबाकु उपदेश देले। एहा परे समस्त देवता मंत्र जपिबा आरंभ करदेइथिले। समस्त देवतांको आराधना रे संतुष्ट होई भगवान श्री गणेश वक्रतुंड अवतार रे प्रकट हेले। मत्स्यरासुर अहंकार को भांगिबा पई ओ तार विनाश करिबा पई दायित्व नेले। एहा परे वक्रतुंड मत्स्यरासुर नगर उपरे आक्रमण आरंभ करदेले। एही आक्रमण रे असुर दुई पुओ सुंदरप्रिय ओ विषप्रिय रो वध कले। जेतेबेले एही समाचार मत्स्यरासुर सुनिला, रागरे पुत्र मृत्युर प्रतिशोध नेबा पई स्वयं युद्धभूमि को आसिला। वक्रतुंडंकु देखि तार सबु शक्ति शेषरे सामान्य होइगला ओ तार अहंकार सेहिठारे चूरमार होइगला। से संगे संगे वक्रतुंडंक शरणरे आसिला ओ तांको स्तुति गाइबाकु लागिला ओ तांकु क्षमा मध्य प्रार्थना कला। वक्रतुंड तांकु कहिले जे से सेतेबेले क्षमा देबे जेबे से तीन लोक माने स्वर्ग पाताल और मर्त्य लोक को छाड़देव। मत्स्यरासुर वक्रतुंड कथा मानि तीन लोक को तांको उत्तराधिकारी देदेला। वक्रतुंड आशीर्वाद से मत्स्यरासुर शेषे पाताल शांतिपूर्ण जीवन अतिवाहित कला। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।